हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। ओ हालेलुया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए। हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, मुहैया करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारी भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें आज सुबह के समय के लिए। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। वह हमारा राजा है, वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारा सृजनहार है। परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करने। परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। उस सच्चाई को हमने जाना है, पहचाना कि सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह और उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोगों की आत्मिक आंखें बंद थी, लेकिन अब वो खुल गए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ, सबका उद्धार हुआ है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर बीमारियों से बचाया है, खतरों से बचाया है, नुकसान से बचाया, हानि होने से बचाया। प्रभु जी एक्सीडेंट को कैंसिल कर दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर कमजोरी में भी आप हमारे संगो साथ रहते हैं। हालेलुया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु आप कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। सचमुच में प्रभु हमसे वायदा किया है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। सचमुच में ना कभी परमेश्वर हमें छोड़ता है, ना हमें कभी त्यागता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। न्यायियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं 6:12 में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों के मिद्यानी के हाथ से छुड़ाएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखो गिदोन क्या कहता है, मैं सबसे छोटा हूँ कहता है, अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मिद्यानियों के डर के मारे वो दाख की कुंड में क्या कर रहा था, वो झाड़ रहा था, गेहूं झाड़ रहा था। तो देखो वो कैसे डर के था, एकदम पतला सा था, दुबला था, वो कमजोर था, कमजोरी की हालत में था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा क्या किया, अद्भुत कामों को किया। प्रभु ने उसे चुना और उसे अलग किया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो आज आप भी निर्बलता में निर्बल होकर दिखाई देते होंगे, अयोग्य होकर दिखाई देते होंगे, कमजोर होकर दिखाई देते होंगे। गिदोन कितना ज्यादा वो कमजोर था, बोलता है मैं सबसे छोटा हूँ, कितना निर्बल होकर दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उसे चुन लेता है और उसे अलग करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थियों 5:27-28 में, कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। स्वर्गदूत क्या कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसको क्या कहता है, शूरवीर सुरमा। वो तो एक निर्बल कमजोर डरपोक की दशा में दिख रहा था, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, स्वर्गदूत क्या कहते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात है कि स्वर्गदूत उसे कह रहा है कि हे शूरवीर सुरमा, जबकि उसके जीवन में ये सब हम कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई शूरवीर वाला कोई काम हो, कोई व्यक्तित्व हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तो डर के मारे वो क्या कर रहा था, वो दाख कुंड में जाके वो गेहूं झाड़ रहा था, इतना दुबला पतला था। हालेलुया, इतना वो डरपोक की अवस्था में था,
इतना निराशा की अवस्था में था, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उसमें तेरे संग हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। न्याय की किताब में क्या पढ़ते हैं, छठो अध्याय 13 वचन में, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं ले आया, वे कहाँ रहे। देखो यहाँ पर हम क्या सिचुएशन को देख रहे हैं, गिदोन के जीवन के बारे में वो पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों ऐसे हो रहा है, निराशा को दिखा रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर अनुग्रह उसके साथ था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया, गिदोन को परमेश्वर ने चुन लिया और गिदोन के द्वारा मिद्यानियों को क्या किया, वो पराजित कर दिया। गिदोन परमेश्वर ने इसराइलियों को विजय दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कितना बड़ा अद्भुत काम किया गिदोन के द्वारा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और सिर्फ 300 लोगों के द्वारा गिदोन ने क्या किया, वो जो मिद्यानी थे इतनी बड़ी संख्या की जो सेना थी जो आई थी इन लोगों से लड़ाई करने के लिए मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मात्र 300 लोगों के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने हरा दिया, कुचलवा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हो सकता है आप निराशाजनक स्थिति में होंगे, हो सकता है जब कमजोर की स्थिति में होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इतना कमजोर हूँ, मैं तो इतनी निराश हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप शक कर रहे होंगे, संदेह कर रहे होंगे, परमेश्वर क्या सचमुच में आप मेरे जीवन में सही करेंगे। प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे संगो साथ हूँ। प्रभु कहता है तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपनी सारी चिंता बोझ को मेरे ऊपर डाल दे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर ने गिदोन को चुना, वो कमजोरी में था, क्या कहता है, मैं सबसे छोटा हूँ। हालेलुया, आज अपने जीवन को क्या करें, परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मैं शून्य, अपने आप को शून्य कीजिए, सारे घमंड के स्पिरिट को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकिए। माफ मांगिए परमेश्वर से अपने पापों के लिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दे। परमेश्वर मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर, मेरी साथ जो निराशाजनक स्थिति में हूँ परमेश्वर, मुझे निराशाओं से बाहर निकाल, मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे परेशानियों से बाहर निकाल, प्रभु सबको सॉल्यूशन दे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको इन सारे बातों पर विजय देगा। परमेश्वर आज आपसे भी कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर क्या कहता है, अपने इसी शक्ति पर जाओ। गिदोन को क्या कहते हैं, इसी अपने इसी शक्ति पर जाओ। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाएगा। इसी शक्ति पर जा, परमेश्वर पर विश्वास कर और जा, प्रभु आपके द्वारा क्या करेगा, परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आप चाहे कमजोर हो, चाहे आपके हालात सही ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी भी समस्या हो, क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संगो साथ हूं, मैं तुझे जिताऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, आपके जीवन में एक दीवार के समान कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, प्रभु के निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उसके निकट आते हैं, उसके क्लोज आते हैं, हालेलुया, तो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, परेशानियां जानी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को शून्य कीजिए। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं पीता परमेश्वर। यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे पाप है या किसी को माफ नहीं कर रहे, तो माफ कीजिए। हालेलुया, परमेश्वर आपको माफ करने वाला हृदय दे, माफी मांगने वाला हृदय दे। हालेलुया, आज सारी घमंड को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकिए, अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को दीन कीजिए परमेश्वर के समक्ष में, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु दया कर दो पिता परमेश्वर। जो कमजोरी के हालात में जो परेशान है, प्रभु उनकी सारी कमजोरी को दूर करना, उनके परेशानियों को दूर करना, उनकी समस्याओं का हल करके देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं एक जन को। प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु की लहू की जय, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। इनकी सारी निराशाओं से दूर करना पिता परमेश्वर, आजाद करना पिता परमेश्वर। जब बीमार में
में हैं और बीमारी के वक्त में जो निराशाजनक स्थिति में आ चुके हैं, प्रभु उनको सारी निराशाओं को दूर करना, चंगा करना, छुटकारा देना। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। सब में सब कुछ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं जितने लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम जाओ तो चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते जाओ तो चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक कैंसर की बीमारी, इलाज बीमारी, पीलिया की बीमारी, ज्वाइंटिस, कुछ भी क्यों ना हो, या फिर आपके पेट में, आपके किडनी में प्रॉब्लम हो, सूजन आपके पेट में, मैं प्रार्थना करते हो जाओ चंगे हो जाए। आपको दिल में छेद हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर प्रकार की स्किन की एलर्जी, स्किन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते आपके हड्डी के रोगों की समस्या जाए, हड्डी का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के रोगों से आजाद हो जाए। हर एक मानसिक रोग है जिनको, मैं प्रार्थना करते हो जाओ चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबंका तुरडा बंशन तिरडा बके तिरडा बके तिरडा बंते रे तिरडा बतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूं। जितने बच्चे बीमार है जादो चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको मशीनें लगी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम में जादो चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के शैतानिक काम जो आपके जीवन को घेर के रखे, के परिवार को घेर के रखी है, मैं ढट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादो जाए। जो दुष्टात्मा आपके जीवन में, परिवार में कार्य करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में जादो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक सर दर्द, हेडेक की प्रॉब्लम, डिप्रेशन यीशु के सामर्थ्य नाम में जादो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से जादो, जो आपको बीमारी है डांटे उसको यीशु के सामर्थ्य नाम में। शुगर और बीपी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं जादो जा। बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरी दवा है, वचन मेरे लिए दवा है। रोज वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, दवाई वचन रूपी दवाई को खाना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अभी तक हमने शुरुआत नहीं की है तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, वचन खाना शुरू कर दीजिए, मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अपना प्रेयर लाइफ को बढ़ा दीजिए, प्रेयर टाइमिंग को बढ़ा दीजिए। यदि उतना प्रेयर करने से आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप बढ़ा दीजिए प्रार्थना का समय को अपने जीवन में। शैतान जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य, रोएगा और जाएगा, आपके परिवार को छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते रक्षा, आप हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी को श्राप और बंधन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके संगो साथ, डरे मत, घबराए मत, परमेश्वर आपके संगो साथ है। हालेलुया, प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते आपकी नौकरी को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको काम नहीं आ रहा, जिनको काम नहीं लग रहा है, मैं प्रार्थना करती हूं उनके काम से ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस में आशीष की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दे, प्रभु जी धन्यवाद करती हूं। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूं। आपके रुके हुए पैसे को, आपके रुकी सैलरी को मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं हर एक भाई बहन जो कर्ज में दबे बंधे हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ तो जैन माटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करते हैं लोन अप्रूवल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इनके जीवन में। सब कुछ पूरा करके देना, जो सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जिनकी शादी में रुकावट आ रही, बंधन टूट जाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद करती हूं। जिनके रिश्ते नहीं आते, टूट जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूं बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने दे दिया करके मैं विश्वास करते हैं, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं यीशु के लोहे में कवर करती हूँ, परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लोहे में कवर करती हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, आपके हाथों की कमाई ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। अब जिसका मैं हाथ लगाए वो आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस में आशीष की घोषणा करती हूँ, छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, प्रभु जितने लोग अपने ऑफिस में अपने काम में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लोहे में कवर करती हूँ, आशीष होकर बदल जाए प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ऊंचा करो पिता परमेश्वर, ब्लेस कर दो पिता परमेश्वर। अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रार्थना से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रभु भाइयों बहनों, आज की शाम को
छह बजे प्रार्थना होगी, इसको जरूर सुने। और उसके बाद 7 बजे एक परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए एक गीत अपलोड किया जाएगा, उसे आप जरूर सुने और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और जब गीत अपलोड किया जाएगा तो आपने कमेंट करना और बताना है कि ये गीत आपको कितना अच्छा लगा। प्रभु का धन्यवाद। उस गीत को आपने क्या करना, सुनना है और वर्शिप करना है इसके साथ में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु का अनुग्रह दे, प्रभु के पीछे चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज की प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को शेयर करना न भूले। मसीह की तरजीह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में बढ़ते जाए, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और गवाही देने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में भेजें, तबकि हम गवाही का वीडियो अपने यूट्यूब में मसीह की तरजीह चैनल में शेयर करेंगे, ताकि परमेश्वर के नाम का महिमा हो सके, जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अपनी ऑफरिंग, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी टाइथ, अपना दशमांश, अपना दान को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू या फिर आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन की प्रार्थना करें, परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबको प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, लोगों को बचा सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हंसित बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आज सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज शाम को 6 बजे प्रार्थना होगी शाम की, और उसके बाद गीत अपलोड किया जाएगा शाम को 7 बजे। और सभी उसके लिए तैयार हैं, गीत को सुनने के लिए। प्रभु में सदा आनंदित रहे। उस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज सभी लोगों को जय मसीह की।